नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल स्टडी और करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए, और जिसमें सिलेबस का पोर्शन आपका जनरल स्टडी और करंट अफेयर है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने, और लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में काफी साल के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपको, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर अंडर स्कूल करिकुलम। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी स्कूल करिकुलम के अंदर जोड़ा जाएगा, जो कि पहले कवर नहीं होता था। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि टीचिंग अप टू द एटलीस्ट ग्रेड 5, यानी कि क्लास 5 तक की अगर कोई टीचिंग हो रही है, टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी कि क्लास 5 तक के जो बच्चे अपनी एजुकेशन लेंगे वो अपनी मदर टंग में, यानी कि जो बच्चा जहां से बिलोंग करता है उसकी जो भी मातृभाषा है उसके अंदर उसे पढ़ाया जाएगा, या फिर रीजनल लैंग्वेज में। सपोज एक बच्चा आसाम का है तो उसे असमीज भाषा में ही उसको क्लास 5 तक एजुकेशन दी जाएगी। नॉर्थ इंडिया का बच्चा है तो यानी कि हिंदी अगर उसकी रीजनल लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है तो उसी में उसको पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि साउथ में जो भी बच्चा है उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोविजन रखे गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है हो सकता है इसका, ये बताना है दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसमें जो बोला गया रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल सही बात है, 3 to 6 ईयर के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, हाँ भाई ये भी बिल्कुल बात सही है। अब थोड़ा सा फीचर जान लेते हैं कि ये नेशनल, ये जो हमारी कंट्री के अंदर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है इसके प्रोविजन क्या क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं आखिर है क्या। आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो कि 1986 की पॉलिसी के बाद काफी साल के बाद एक कोई नई पॉलिसी हमारी कंट्री के अंदर आई है, जिसके अंदर जो सबसे पहले पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि बच्चों का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसे 100% करना है, और ये टारगेट रखा गया 2030 तक कि भाई 100% बच्चों का एडमिशन एजुकेशन सिस्टम के अंदर यानी स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये टारगेट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट रखा गया 2 करोड़ स्कूल बिल्ड किए जाएंगे बच्चों के लिए इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये भी एक टारगेट रखा गया है। इसके अलावा जो हमारी कंट्री में जो करंट सिस्टम है 10+2 यानी कि 12 तक की एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको चेंज करके थोड़ा नया पैटर्न लाया गया, जिसके अंदर ये बोला गया 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया, और इसमें एज ग्रुप जो रखा गया वो कुछ इस तरह से रखा गया कि फर्स्ट एज ग्रुप के अंदर 3 से 8 तक के ईयर के बच्चे, फिर नेक्स्ट 8 से 11 ईयर के बच्चे, और फिर नेक्स्ट 11 to 14 ईयर के बच्चे, और लास्ट ग्रुप जो बनाया गया वो 14 से 18 एज के बच्चे, यानी कि ये एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया इस नए करिकुलम सिस्टम के अंदर, या आप बोल सकते हैं नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये है कि 3 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि आंगनबाड़ी या फिर प्ले स्कूल वगैरह इन सब सिस्टम के अंदर उन्हें डाला जा सकता है, ये भी प्रोविजन रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया गया कि भी एटलीस्ट 5 क्लास तक, जैसे कि आपको स्टेटमेंट भी गिवन था कि क्लास 5 तक ग्रेड 5 तक बच्चों को उसके रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रोविजन रखा गया और इसे क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल स्किल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन रखे गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और साथ के साथ एक बात और कि जो असेसमेंट है यानी कि बच्चों का जो इवेल्युएशन होता है उसको भी 360 डिग्री पर होलिस्टिक अप्रोच रखा गया, जिसके अंदर सिर्फ एकेडमिक्स को ध्यान में ना रखते हुए बल्कि और भी चीजें और भी अदर एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा।
और टीचर की बात करें टीचर एजुकेशन की, तो टीचर एजुकेशन में ये बोला जा रहा है कि आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो होता है यानी उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बीएड वगैरह होती है, पहले क्या होता था, पहले वन ईयर का कोर्स हुआ करता था, आपको मालूम ही होगा, उसके बाद इसे टू ईयर का कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब नया प्रोविजन ये रखा गया है कि अब ये फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी जिसके अंदर बीए बीएससी या बीए बीकॉम या बीएससी जो भी सब्जेक्ट चूज करता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, और इसके साथ प्लस में बीएड, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन और टीचर सिलेक्शन के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, दोनों को कंबाइंड यानी मर्ज कर दिया गया है। सिमिलरली वैसे जैसे बीएड वगैरह कोर्स होता है उसी तरह बीएड प्रोग्राम को भी बनाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रोविजन थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे की पॉइंट हैं, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट को उठा के आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर अमोनिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अमोनिया रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी उसे रिड्यूस करती है अमोनिया, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों के लिए अगर हम किसी को अमोनिया के इंजेक्शन दिए जा रहे हो तो वो हार्मफुल नहीं है, वो नुकसानदायक नहीं है, ये बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये था सेकंड ये है। अच्छा चलिए बताइए, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी को जिसमें यह बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है वो करेक्ट है, यानी कि ये बोला जा सकता है कि अमोनिया के अंदर जो ये फीचर होता है कि वो क्या करता है कि भी हमारे जो वाटर होता है पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिड्यूस करता है अमोनिया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जैसे आप लोग साइंटिफिक फार्मूला भी जानते हैं H2O, यानी कि ये जो पानी का जो फार्मूला है आप जानते ही है, जो केमिस्ट्री वगैरह में भी आप लोग या साइंस वगैरह में पढ़ते हैं H2O, तो इस अमोनिया क्या करता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है यानी O2 होती है इसकी मात्रा को कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और इस वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि जब पानी के अंदर ये क्वांटिटी रिड्यूस होगी कुछ और टॉक्सिक मटीरियल अगर उसके अंदर पाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो बॉडी है उस हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को, तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसे डैमेज करता है अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पानी में कमी होगी, तो अमोनिया के इंजेक्शन अगर कोई ज्यादा लेता है, अगर पानी से रिलेटेड अगर कोई ज्यादा इंजेक्शन लेता है अमोनिया से इंजेक्शन, तो वो एक हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करें तो पानी के अंदर 0.5 पार्ट्स ऑफ पर मिलियन इतना ही मात्रा होनी चाहिए अमोनिया, इसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया BIS के द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कि मैक्सिमम लिमिट जो अमोनिया की रखी गई है ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन के इतना ही रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अमोनिया हमारे लिए जो इसकी जो क्वांटिटी अगर एक्सेस में होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसे शॉर्ट में ICCPR भी बोला जाता है। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसके अंदर आपको ये तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट ये वाला है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ICCPR यानी कि जैसे बोला जा सकता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इज अ की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी ह्यूमन बींग को एक प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सिविल और पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ट्रीटी है ये जो इंस्टीट्यूशन है ट्रीटी है बड़े ही काम की है और बड़ा एक्टिव यानी कि इसका मेजर रोल है इस ट्रीटी का, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द UN ह्यूमन राइट काउंसिल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICCPR, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन
वो मॉनिटर करती है इस ट्रीटी को और ध्यान रखती है कि उन पर प्रॉपरली ये प्रॉपरली बाकी जो मेंबर कंट्री है उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए, यानी कि लोगों को ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का ये काम करती है, साथ के साथ पॉलिटिकल राइट भी प्रोटेक्ट करती है ये इंस्टीट्यूशन इस ट्रीटी के द्वारा। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज येट टू साइन द ICCPR कन्वेंशन, यानी कि हमारी कंट्री जो है इसने अभी तक इस ट्रीटी को या कन्वेंशन को साइन नहीं किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ ओनली वन, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है वन एंड टू, यानी कि दो स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट और सेकंड, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है तो ये बताइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रीटी जो बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये एक मेजर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन की गई है बाकी कंट्रियों के द्वारा, जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें वन बाय वन तो उसके अंदर थोड़ा सा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इस ट्रीटी को लागू करने में काम इंप्लीमेंटेशन में काम करती है, नहीं ऐसा नहीं है। इस ट्रीटी को इंप्लीमेंटेशन का जो काम करती है वो करती है जो करती है वो ह्यूमन क्या नाम है इसका इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं, बल्कि इसके जो बल्कि हमारी कंट्री के अंदर जो आर्टिकल 21 है जिसके अंदर लाइफ विद डिग्निटी जो एक प्रोविजन रखा गया, एक फंडामेंटल राइट जो हमारी कंट्री में प्रोवाइड किया गया उसके तहत ये राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि भी हमारी कंट्री ने बोला जा रहा है कि भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, ऐसा नहीं, हमारी कंट्री ने भी इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है, और हमारी कंट्री के अंदर इसे आर्टिकल 19 के तहत इस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं कि भी लोगों को पॉलिटिकल और साथ के साथ ह्यूमन राइट जैसे जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा, अगर अभी तक फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और हाँ वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला जा रहा है द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे शॉर्ट में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एम्स टू एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम रखा गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका जो एम होता है वो किस डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने का काम करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोटीन को जो डेफिशिएंसी उसको रिड्यूस नहीं बल्कि डेफिशिएंसी को डील करने एड्रेस करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कुछ एक कोई एक क्वांटिटी किसी चीज की है वो कम है और उसको डील करने का काम करती है ये इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये प्रोटीन के साथ डील करती है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये विटामिन के साथ डील करती है, और ऑप्शन सी में आप बोला जा रहा है इसका एम जो है डील करने का डेफिशिएंसी वो कैल्शियम से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये फास्फोरस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर डील करती है ये इंस्टीट्यूशन। तो ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, कि इस इंस्टीट्यूशन का एम क्या है जिसकी डेफिशिएंसी को ये डील करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसे शॉर्ट में NDDB भी बोला जाता है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है मिल्क प्रोडक्ट के अंदर अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो कंज्यूमर को सही लेवल तक वो विटामिन मिल सके उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने का, यानी कि आप ये बोल सकते हैं मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट का ये काम करती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारी कंट्री में वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 5th सितंबर
2017 को, तो इस दिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इसकी हेल्प से ये काम करती है। और इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसे जो फाइनेंस करने का यानी कि जो फंड प्रोवाइड करने का जो काम होता है, इसे फंड जो प्रोवाइड करती है वो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कराती है साउथ एशिया फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसके द्वारा ये काम करती है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका जो फंड मिलता है ना बाहर से मिलता है, साउथ एशिया फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव के द्वारा फंड मिलता है, जिसका इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि 2 मिलियन टन फॉरफिटेड मिल्क रीच 30 मिलियन कंज्यूमर तक पहुंचे, ये इसका टारगेट रखा गया है। यानी इंस्टीट्यूशन का टारगेट क्या है ये आपको पता लग गया, ये कब एग्जिस्टेंस में है ये भी आपको पता लग गया, फंड कहां से मिलता है ये भी आपको पता लग गया। तो ये कुछ की फैक्ट है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि जिसे AIIBB बोला जा रहा है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये, इस बैंक को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन, अच्छा पहले ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर संघाई, यानी संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है नॉन सोवरेन एंटिटी कैन आल्सो बी बिकम अ मेंबर, यानी कि जो एशिया से रिलेटेड नहीं है, एशिया से बिलोंग नहीं करती, वो भी इंस्टीट्यूशन, वो भी कंट्री इसका पार्ट बन सकती है, ऐसा बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट, यानी कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट इसके हेडक्वार्टर के रिलेटेड है वो गलत है। यानी कि आप बात कर लेते हैं इसका एग्जैक्टली करेक्ट हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि जनवरी 2016 में ऑपरेशनल आई थी, यानी कि इस टाइम से इसने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि अब फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर में से इसका पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। जब दिसंबर 25, 2015 में जब इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ये जब ये बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया भी इसका पार्ट था, फाउंडिंग मेंबर है, और इसके साथ साथ 57 और टोटल जो मेंबर है जिसके साथ इस बैंक को गठन मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अगर हम शेयर की बात करें, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो वो चाइना का है, जो कि 26.06% चाइना का फंड है या चाइना इसे शेयर होल्डर रखता है अपने पास। उसके बाद हमारी कंट्री है जिसमें 7.62% वोटिंग राइट या फिर अपना इतना शेयर हमारे पास इस बैंक का है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन भी है, इसका एक मेंबर है, यानी कि अदर देन एशियन कंट्री और बाहर की भी कंट्री की या इंस्टीट्यूशन भी इसका पार्ट पार्टिसिपेट कर सकती है, इसके अंदर इसका पार्ट बन सकती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भी ये जो इसके अलावा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके अलावा एक बैंक और है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB, इसके बारे में आज आपको पढ़ना है कि भी इसकी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में आज पढ़ना है, और इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था कि भी अभी रिसेंटली 2020 में हमारी कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले कौन कौन सी आई है, उनका नाम जरूर बताना, और कौन उसके हेड थे या चेयरमैन कौन थे उस कमीशन के, ये भी आपको बताना। हिंट के लिए मैं ये बता देता हूं आपको कि 1986 में इससे पहले आया था, तो सबसे पहले कौन सा आया था, और अब तक बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 है और आपको पता होना चाहिए, तो वो कब कब आया था ये एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको बताना है। और दूसरा ये बताना है उसका चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड में से शेयर जरूर करिए।